गुड मॉर्निंग खम्मा गणेशा, वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राठौड़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं लगी हूँ जल्दी जल्दी काम करने में, क्योंकि आज मम्मी गए हैं मालगांव और मुझे शॉप पर भी जाना है, घर का काम भी करना है और शराब चल रहे हैं तो वो कागोल वगैरह भी निकालनी है। तो इस चक्कर में बस उठी और जल्दी जल्दी पहले नहाना धोना किया, फिर मैं थोड़ा सा तैयार हुई, उसके बाद मंदिर भी जाना था तो मंदिर भी जाकर आई। तो अभी जल्दी से मंदिर जाते हैं क्योंकि मंदिर से वापस आकर ही बाकी सारा काम करेंगी, और जो मतलब मैंने चाय भी नहीं पी है, चाय भी मैं वापस आकर ही पीऊँगी। तो जल्दी से मंदिर जाते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। तो मैं मंदिर जाकर आ गई हूँ और अब बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि आज मैं अकेली पीने वाली हूँ चाय। तो अभी बस चाय वगैरह मैंने पी ली है और एक तरफ दूध चढ़ाया है और आटा लगाया है। सब्जी बाद में बनाऊंगी क्योंकि कुलदीप बना को जाना है लाइब्रेरी। तो मतलब हम ना शरादों शरादों में काबुल निकालते हैं सुबह सुबह, तो कुलदीप बना ही जिमा कर जाएंगे। ऐसे निकालने भी चाहिए अपने देवता को जिमाने के लिए, पितरों को जिमाने के लिए। तो मेरा सुबह सुबह का यही काम होता है, सुबह सुबह नहा धो कर पहले पूजा वूजा करके उसके बाद में काबुल निकालती हूँ, फिर बाकी का काम करते हैं। तो अभी जल्दी से कागज निकाल देते हैं। कई लोग मतलब वैसे तो सब जानते ही हैं राजस्थान में कागोल कैसे क्या होता है, जैसे कोई नहीं जानता तो बता दे। श्राद्धों में मतलब सबके गाय के लिए कौवे के लिए रोटी बनाई जाती है, उसे कागोल बोलते हैं। तो ये काकबुल मैंने तैयार कर दी है, बस कुलदीप बना आ जाए नहाकर, फिर वो जिमा देंगे। तब तक मैं बना लेती हूँ हमारी रोटी टिफिन की। अभी तैयार शॉप पर जाने के लिए। बस हमारे साथ क्या है ना, आज पानी नहीं आया, मतलब मोटर ख़राब हो गई, तो वो यहीं नहाने आए हैं, तो वो नहा रहे हैं। मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, फिर हम दोनों साथ ही जाएंगे शॉप पर। बस मेरा काम वाम सब हो गया, मैंने टिफिन भी डाल के रख दिया है, टिफिन वगैरह सब तैयार है, पर वगैरह देख लेते हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज हम जा रहे हैं अजमेर, क्योंकि कोई मतलब पहले से प्लान नहीं था। मैं बस शॉप पर बैठी, थोड़ी देर में सो गई थी, फिर मैं वापस आकर बैठी और उतने में उनका कॉल आया कि अजमेर चलना है, क्योंकि उनके दोस्त और उनकी वाइफ भी जा रहे हैं और हम दोनों। तो अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं है कौन कौन कैसे जा रहे हैं, बस उन्होंने इतना ही बताया है कि मेरे दोस्त हैं, मेरे उनकी वाइफ है और हम दोनों हैं। तो मैं तो आकर तैयार भी हो गई शॉप से और वो अभी तक आए नहीं हैं। तो मैंने बस पापा का खाना बना दिया है, कुलदीप बना के लिए दलिया बना के रख दिया है, क्योंकि मम्मी है नहीं तो उनसे होगा नहीं, बेचारे क्या करेंगे आते ही। तो उनका खाना और दलिया सब बना के रख दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो मतलब पता ही नहीं है कब जाना है, मतलब 6 बजे का बोला है, 6 तो बजने वाले हैं और वो खुद ही नहीं आए अभी तक। तो मैं तो मेरा काम करके फ्री हूँ, तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कैसे क्या अजमेर की ट्रिप रहती है। मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो आगे जो भी होगा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो चलो गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और कल मैंने व्लॉग स्टार्ट तो किया था लेकिन बाद में फिर हम रास्ते में आए, फिर रात को हम 12 बजे तक यहाँ अजमेर पहुँचे थे, फिर होटल वगैरह लिया और रात को सो गए, और अभी 6:30 बज रहे हैं। नहाना धोना सब कर लिया है, उन्होंने भी कर लिया है, हमने भी कर लिया है, और अब उनको जाना है राजगढ़ कुछ काम से, पहले वहाँ जाएंगे उसके बाद जाएंगे हम पुष्कर। तो मैं मतलब लहंगा उड़ नहीं लाई थी क्योंकि इन्होंने बोला था कि कोई भगवान के चलेंगे, तो मैंने सोचा भगवान के चलने के लिए तो लहंगा उड़नी सही है। तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ पूरा दिन आज का। तो अभी चाय आ रही है, चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो अभी हम आ गए राजगढ़ क्योंकि जो इनके फ्रेंड आए हैं उनका कुछ काम है यहाँ पे, वो पहले वो काम करेंगे, और मैं थोड़ा मतलब अंदर वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, नए लोग कुछ मिल जाते हैं ना तो मैं जल्दी से बोल नहीं पाती किसी से, तो ये वाला सीन होता है मेरे साथ। तो अभी ये अपना काम करेंगे उसके बाद हम निकलेंगे पुष्कर के लिए। तो अभी हम आए हैं यहाँ, भैरव जी का मंदिर है, मसानिया भैरव धाम। तो यहाँ आए हैं धूप खाने के लिए ये लोग। आ गए पुष्कर, और वहाँ मतलब हम जिस मंदिर में हम राजगढ़ गए थे वहाँ हमें लगे थे 4-5 घंटे, और मैं पूरी तरह से थक गई थी, मतलब मुझे भूख भी लग गई क्योंकि कल मेरा फास्ट था, और मतलब मुझे चक्कर से आने लग गए थे। वहाँ से फ्री हुए उसके बाद हम अजमेर आए, अजमेर में हमने खाना वाना जीमा, और अब हम आ गए पुष्कर। तो अभी थोड़ा पुष्कर घूमेंगे, फिर वापस अजमेर जाएंगे, अजमेर थोड़ा एक दो जगह देखेंगे, उसके बाद जयपुर के लिए निकलेंगे। लेकिन मेरी क्या है ना, कल रात से नींद भी हो गई है, रात को मुझे नींद नहीं आई थी प्रॉपर, क्योंकि 12 तो वैसे ही बज गए थे, उसके बाद दूसरी जगह मुझे नींद भी नहीं आती जल्दी से, तो वो भी तो मतलब मेरा मैं निकल तो जाती हूँ घर से, लेकिन मेरे निकलने के बाद मेरे बस की बात नहीं रहती ये घूमना फिरना। तो अभी चलो घूमते हैं पुष्कर, तो आपको भी दिखाते हैं पुष्कर। मैंने पूजा को भी कॉल किया, वो भी बुला रही है, लेकिन वहाँ तो नहीं जाएंगे, अगर पॉसिबल होगा तो उनको भी यहीं बुला लेंगे। तो अभी हम आ गए हैं बर्मा घाट, और ये पूरा पानी भरा है यहाँ तक। तो अभी हम आ गए नारेली क्योंकि हमें पुष्कर में तो वीडियो बनाने का और वो परमिशन मिली नहीं, मंदिर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था वहाँ, तो हम अभी यहाँ अजमेर के पास में नारेली है, बहुत ही अच्छी जगह है, तो यहाँ आए। अब बोलो काय बोल रहे, आप सुंदर को नहीं है जगह है, काय बोल रहे, बोलो पाचा बोलो अठिन दे बोलो हाँ यार वीडियो बनाना हमारा, तो देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू है सा अंदर।
हम आ गए हैं। कौन सा मॉल है ये? सिटी स्क्वायर मॉल है, नया मॉल खुला है अजमेर में, तो वहाँ आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने। तो देखते हैं क्या लेते हैं। लो तो अभी हम आ गए हैं सेवन वंडर पार्क अजमेर में, मतलब नया ही ओपन हुआ है, पहले नहीं था। मैंने तो मतलब पहले नहीं देखा था, शादी से पहले अभी आया है। तो आपको भी दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर है। एक तो ये कोटा में है और दूसरा अजमेर में है। तो बहुत तो अभी ये खेलने वाले ये वाला गेम, बलून फोड़ना है इनको। हाँ देख के आज कत्ता फूटे। एक दो उठ रहा। क्या वाह, खुश कभी ना हमारी बस। तो ये है अजमेर की अनासागर झील का बहुत ही प्यारा सुंदर सा नज़ारा, रात को बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ़ोन में स्टोरेज फुल हो गया था तो मैंने बहुत सी जगह का वीडियो नहीं बनाया, हमने और भी जगह देखी थी क्योंकि दूसरे वाले फ़ोन में वीडियो अच्छे नहीं बन रहे थे, तो फिर मैंने आगे वीडियो नहीं बनाया। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।